हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ कविता। और आज मैं आप लोगों के साथ एक DIY तो शेयर करूंगी साथ साथ। जब ये DIY कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एक मेरी वॉल है, मैं उसका मेकओवर करूंगी भी करके आपको दिखाऊंगी। तो इस DIY के लिए आप जैसा कि देख रहे हैं कि मैंने वही वेस्ट मटेरियल जैसे कि मैं अक्सर कर लेती हूँ वही लिया है। ये इस तरह की टहनियाँ हम आप सबके पास रहे कहीं पे भी मिल जाती हैं, हम लोगों को आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं। तो इस तरह की टहनियाँ हैं और ये मैंने इस तरह का किसी उसमें निकला था, ये गत्ता है इस तरह का, थोड़ा जो कार्डबोर्ड होता है थोड़ा हार्ड है इस तरह का। ये किसी मैंने कुछ ऑनलाइन सामान मंगाया था उसमें निकला था ये। और ये कुछ बटन है, अगर बटन ना हो तो आप कागज़ का भी इस तरह से कट कर सकते हैं सर्कल में, इस तरह का ब्लैक वाइट की ज़्यादातर ज़रूरत पड़ेगी तो इस तरह का आप कर सकती। और ये गत्ता था, नहीं तो मेरे पास वैसे लकड़ी का भी जो वुड प्लैंक होता है वो भी था, लेकिन मैंने सोचा कि जब ये है तो मैं इसी को यूज कर लेती हूँ क्योंकि ये भी काफ़ी हार्ड है। और अगर आप वुड प्लैंक पे बनाना चाहें तो उस पर भी बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हैं। और हमारा जो DIY है ये हम बस ये दो तीन चीज़ों से ही बनेगा इस तरह से। तो सबसे पहले मैं इस पर, आप चाहें तो कोई भी कलर कर लीजिए, लेकिन मेरे पास यहाँ पर ये एक, ये देखिए इस तरह का मैं येलो कलर करूँगी। ये एक्रेलिक कलर है फेविक्रिल का। और ये मेरे पास एक ये जो चाक पेंट होता है वो करूँगी, चाहे तो आप चाक पेंट से कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास येलो कलर का चाक पेंट नहीं है तो मैं सिंपल जो एक्रेलिक कलर होता है उससे करूँगी। मैंने ये चाक पेंट जो है ये मैंने घर ही में बनाया था, तो मैं इसको एक पर मैं चाक पेंट करूँगी और एक पर मैं नॉर्मल एक्रेलिक कलर जो है वो करूँगी। चॉक पेंट से थोड़ा सा जो उसका टेक्सचर होता है ये थोड़ा सा अच्छा आ जाता है, जैसे वॉल में आप देखते हैं उसकी फिनिशिंग होती है उसी तरीके का ये भी लगता है। अगर आप चाहेंगे, अगर आपको चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि उसको मैंने कैसे बनाया तो आप कमेंट्स करके बताइएगा तो मैं आपको बनाना बता दूँगी। क्योंकि आप अगर मार्केट से इसको लेते हैं तो ये मार्केट में आपको 150-200 रुपए का आता है और घर में आपका ये बहुत ही सस्ता बन जाता है। ये कैमरे में ये कल दूसरा कलर आ रहा है, लेकिन ये इस तरह का जैसे पहले आप शायद जानते होंगे जो नील आती थी कपड़ों में लगाने के लिए उस तरह का कलर है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फिरोजी आ रहा है। तो ये इस तरह से इसको मैंने पेंट कर लिया है और अब मैं दूसरा वाला भी इसी तरह से कर लूँगी, लेकिन मैं इसको एक्रेलिक कलर से करूँगी। एक्चुअली मैं इसलिए इसको एक्रेलिक कलर से कर रही हूँ क्योंकि ये येलो में मेरे पास अभी इस समय चॉक पेंट है नहीं और फिर मुझे बनाना पड़ता, तो मैंने सोचा कि मैं इसी से कर लूँ। ये इस तरह से मैंने दोनों कलर कर लिया है और ये देखिए कितना इसका कलर कॉम्बिनेशन भी कितना अच्छा लग रहा है। और अब हमें क्या करना है, इसको तो अभी ये गीला मैं साइड में रख दूँगी येलो वाला, और ब्लू वाला थोड़ा सा सूख गया है, ये थोड़ा सा सूख गया है, तो मैं अब इसको इसके हेयर बनाऊंगी। तो ये इस तरह का, ये देखिए ये जो मैंने ये लकड़ी ली थी इस तरह से, ये मैंने आपको दिखाया था लकड़ी ली थी, तो मैं बस इसी से ही ये पूरा मैं DIY कंप्लीट करूंगी। तो ये इस तरह से, आप चाहें तो आपके पास ग्लू गन है तो आप उससे चिपका सकती हैं और इस तरह से यहाँ पर, या फेविकोल से भी चिपका सकते हैं, जिससे आप चिपकाना चाहें उससे आप इसको चिपका सकते हैं। मैं यहाँ फिलहाल फेविकोल ही से इसके हेयर बना रही हूँ इस तरह से आप, और ये मैं बैक से लगा रही हूँ क्योंकि फ्रंट से अच्छा नहीं लगेगा, तो ये मैं बैक से इसको चिपका रही हूँ। वैसे ये अगर आप इससे चिपकाएंगे तो भी अच्छे से चिपक जाएगा क्योंकि फेविकोल है तो, और ये वुड है तो चिपक जाएगा ये अच्छे से। थोड़ा सा थोड़ी देर इसको आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा, बाकी फिर ये आराम से चिपक जाएगा। से चिपकाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था कि आपको थोड़ी देर होल्ड करके बैठना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पर ग्लू गन का ही से ही चिपका लूंगी इस तरह से।
ग्लूगन स्टिक की एक ये खासियत होती है कि आप कोई भी चीज चिपकाइए तो तुरंत चिपक जाती है इस तरह से। इसी तरह से मैं सारे सब जो भी है ये मैं इसी तरह से सब चिपका लूंगी। इस तरह की इसके हेयर तैयार हो गए और ये मैं आपको रख के दिखा रही हूँ इसी ऑर्डर में चिपकाना है। ये मैंने ये इसकी ये यहाँ पे बटन लगाया हुआ है, ये इसकी नोच के लिए इस तरह की डंडी, ये देखिए इस तरह की है टहनी इस तरह की है, तो ये इसकी नोज है, इस तरह की नोज बन जाएगी। और लिप्स के लिए ये मैं दिखा रही हूँ, ये इस तरह के इसके लिप्स हैं और ये इसके ये टीथ वाइट जो बटन है, तो इसी ऑर्डर में हमें इसको चिपका लेना है। पर ये हमारा DIY कंप्लीट हो गया। इस तरह से देखिए इसके हेयर है और ये मैंने नोज बना दी है और इसकी आईज बना दी है और इस तरह के लिप्स और इसके टीथ वगैरह, और ये साइड में इधर इस तरह से देख रहे होंगे इस तरह से, और इधर भी मैंने ऐसी कुछ भी आप अपना जो भी आप कुछ भी जो भी क्रिएशन करना चाहें कर सकते हैं। मुझे जो समझ में आया वो मैंने करा और ये मैंने इस तरह से तैयार करा है कि जो जिस तरह से ये लकड़ी का शेप था मैंने उसी के अकॉर्डिंग करा है। मैंने कुछ इसमें से इसी तरह की ये डंडी थी तो मैंने इसकी नोज बना दी इस तरह से, तो इसी तरह से आप भी कर सकते हैं और बाद में इसको कलर कर लीजिएगा। तो मैं दूसरा भी तैयार कर लेती और दूसरा वाला देखिए मैंने इस तरह से करा है। ये इस तरह की मेरे पास ऐसी इस तरह से देख रहे हैं ना, इस तरह की टेढ़ी सी ये टहनी थी तो मैंने इस तरह से इसको यहाँ पर रख दिया है और मैं इसी ऑर्डर में इसको भी लगा लूंगी। ये तीन छोटी छोटी लकड़ियां हैं, इस तरह से मैं इनको सब चिपका लूंगी और इस तरह से फिर इसके टीथ बना लूंगी। मैं बस इसी ऑर्डर में मैं इसको चिपका लूंगी और फिर जब ये चिपक जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये मैंने आपको रख के जिस ऑर्डर में दिखाया था उसी ऑर्डर से मैंने इसको चिपका लिया इस तरह से। अब हमें इसको कलर करना है। कलर आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आप जितना आप कलरफुल इसको बना सकते हैं उतना कलरफुल आप इसको बनाइए, और चाहे तो आप ऐसे ही रख सकते हैं। और आप देख रहे हैं ये जो चीज़ें हम लोग फेंक दिया करते हैं जिसको लगता है कि ये तो कबाड़ है इसको क्या करेंगे रख के, उससे देखिए कितना सुंदर कितना प्यारा एक हमारा एक डेकोर आइटम तैयार हो गया है। यहाँ पर ये मेरा इस तरह का ये डिकोर आइटम जो है DIY ये देख रहे हैं आप तैयार हो गया इस तरह का। ये देखिए इस तरह से लग रहा है और इस समय मेरे पास एक्चुअली कलर ज्यादा नहीं थे तो इसलिए मैं ज्यादा इसमें कलरफुल इसको मैं नहीं तैयार कर पाई हूँ और जो कलर था उसी से मैंने बनाने की कोशिश की है। और यहाँ पर मैंने दो बनाए हैं और अगर क्योंकि तो मुझे दो ही की जरूरत थी, अगर आप चाहें तो आपकी अगर वॉल बड़ी है मुझे जिस वॉल पे लगाना है तो दो ही की जरूरत थी, आप चाहें तो और भी इसी तरह से तैयार कर सकते हैं। और ये आला देखिए मैंने इस तरह से बनाया है, तो देखिये ये हमारे यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने प्यारे प्यारे दोस्त कितने सुंदर सुंदर DIY तैयार हो गए हैं। और जबकि इसमें आप देख रहे हैं कि सारा वेस्ट मटेरियल है जो इसको हम अक्सर फेंक दिया करते हैं और तो उससे मैंने बनाया है। और अब हमें इसको जिस वॉल पे प्लेस करना है तो मैं उस वॉल का जब मेक ओवर करूँगी तो फिर मैं ये दिखाऊंगी कि मैंने इसको किस तरह से प्लेस किया है। तो आप जैसा देख रहे हैं कि ये मेरी ये वॉल है और ये इस तरह की है ये, और ये काफ़ी ये पतली सी वॉल है लेकिन ये बिल्कुल खाली मुझे अच्छी नहीं लगती थी तो मैंने सोचा कि मैं इस पर कुछ लगा दूं, तो बस मैं आज इसी का जो मेकओवर है करूंगी। और ये ऊपर इस तरह से ये जो मैंने आपको दिखाया था इस तरह से ये मैंने टांग रखा है और बाकी इसके नीचे ये ऐसी खाली है ये इस तरह की। ये मैंने छोटी छोटी जो छोटी वाली नेल होती है मैंने इसको लिया है, मैं इसी से बस इसको लगाऊंगी इस तरह से। यहाँ पर मैं पहले तो बीच में एक लगाऊंगी, सिक्योर कर लीजिए कि जिससे कि ये निकले नहीं और हमारा ये अच्छे से यहाँ पर प्लेस भी हो जाए। देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ये इस तरह से लगा दिया है, ये इसके नीचे इस तरह से मैंने ये लगा दिया है और इसके जस्ट नीचे मैंने आला लगाया है।
और इस तरह का मेरे पास पड़ा हुआ था, ये आप देख रहे होंगे इस तरह का। तो ये मैंने दोनों साइड, एक साइड इस तरह का हाफ मून जैसा है और एक साइड इस तरह की मैंने यहाँ पर इस तरह की लगा दी, क्योंकि जो वॉल है ये नीचे तक, जिससे कि ये थोड़ी सी भर जाए, देखने में थोड़ा सा ये अच्छा लगे। और इसी टाइप का मेरे पास एक और है, तो मैं इसको भी यहाँ पे बीच में लगा दूंगी। इस जगह जो ये गैप आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी मैं एक लगा दूंगी इसी तरह का। तो इस तरह से यहाँ पर ये मैंने नेल लगा लिया है और यहाँ पे मैं इसको भी यहाँ पर प्लेस कर दूंगी। तो यहाँ पर इस तरह से ये हम जो मेरी वॉल है ये इस तरह से लग रही है, आप देख सकते हैं इस तरह से लग रही है। और ये इस तरह से मैंने नीचे का पोर्शन रखा हुआ है और इसके ऊपर जो मैंने अभी आपको दिखाया है, जो मेरा DIY है वो इस तरह का। तो आप देखिए कितना जीरो बजट में कितनी अच्छी हमारी ये जो वॉल थी और एकदम खाली थी और देखने में अच्छी नहीं लगती थी, तो कितनी प्यारी कितनी सुंदर सी लग रही है। और इस तरह से देखिए, और इसमें सारा आप देख रहे हैं ये भी सब कागज और गत्ते से बने हुए चीजें हैं, और ये तो मैंने आपको शेयर ही करा आपके साथ। तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं अपने, ऐसी कोई कम स्पेस की जो जगह है तो उसको ऐसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।